स्वागत है आपका भारतीय कला और संस्कृति के अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जन प्रणाली के संदर्भ में समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में विशाल अन्नागार और स्नानागार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये कोर्स आपको यूपीएससी, पीसीएस, एसीसीडीएस और इसके अलावा हर वनडे एग्जाम में भी काम आएगा। मेरा नाम राकेश नेगी है और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लाइव क्लासेस पर मुझे सर्च कर सकते हैं। और अगर वहां ज्वाइन करते हैं तो मेरा रेफरल कोड है राकेश नेगी, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो उनको जरूर काम आएगा। आप लाइक दें या ना दें वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि ये हर जरूरतमंद तक पहुंचे। चलिए, धन्यवाद और आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ्यक्रम का एक कोर्स ढांचा बताया था, जिसमें नगर नियोजन, मूर्तिकला, मोहरे, मृदभांड और मणके एवं आभूषण का अध्ययन करने का मैंने बताया था। और नगरीय नियोजन में मैंने नगरीय व्यवस्था और भवन प्रणाली तो बता दी थी। अब हमने इस वीडियो के अंदर जल प्रणाली, अन्नागार, सभागार और सभा स्नानागार, ये चार महत्वपूर्ण चीजें हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात मैं अगली वीडियो में प्रस्तर मूर्ति, धातु मूर्ति, मृण मूर्ति, मोहरों की बनावट महत्व और मृदभांड की कला, परंपरा एवं उपयोग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट जल प्रणाली, अन्नागार, सभागार और स्नानागार। तो जैसे कि हम नगरीय व्यवस्था में भवन निर्माण प्रणाली देख रहे थे, तो उसी प्रणाली में हमें कुछ विशेष भवन मिले हैं, जिसमें से एक है स्नानागार। इसको हम कहते हैं स्विमिंग पूल, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेट बात। दोस्तों, ये जो महान स्नानागार मिला है, ये महान स्नानागार क्यों मिला है या इसमें क्या होता होगा, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता होगा, पहली चीज तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसको सार्वजनिक स्थल के रूप में माना गया है, यह कहां से पता लगता है, और इसकी बनावट एवं संरचना किस प्रकार की थी, क्योंकि कला और संस्कृति में संरचना, वास्तुकला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खंड है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस महान स्नानागार का प्रयोग या तो किसी धार्मिक कार्य या किसी पवित्र अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। जैसे हम लोग कोई सामूहिक स्नान करते हैं, कोई धार्मिक गतिविधि करने के बाद सामूहिक स्नान किया करते हैं, कुंभ का मेले में सामूहिक स्नान होता है, गंगा के घाटों पर सामूहिक स्नान होता है, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर सिंधु घाटी धर्म के लोग जो लोग हैं वे कोई ऐसा धार्मिक या पवित्र कार्य करने के बाद इस कार्य को इस स्थान पर सामूहिक रूप में स्नान करते होंगे। और एक जगह से ही हमें यह महान स्नानागार मिला है, वह है पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदारो, जिस पर आपने ऋतिक रोशन की पिक्चर भी देखी होगी। दोस्तों, इसकी बनावट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी बातें तो वनडे में भी पूछा जाता है। पहली चीज तो इसकी पूरी की पूरी फर्श और जो इसकी जो दीवारें हैं वह पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, मिट्टी का, इसमें पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में ये जरूर आता है कि जल आपूर्ति किसके माध्यम से होती थी, इस स्नानागार में पानी कहाँ से भरा जाता था। तो स्नानागार के निकटतम ही दोस्तों एक कक्ष देखने को मिला है, उस कक्ष के अंतर्गत एक कुआं हुआ करता था और उसी कुएं के माध्यम से गलियां हुआ करती थी और गलियों से फिर उस स्नानागार के अंदर पानी डाला जाता था। समझ लीजिए पाइप सिस्टम का एक तरीका था। और उसी के समांतर में हमें कमरे भी मिले हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो महान स्नानागार है उसके बगल में कमरे भी देखने को मिले गए। हो सकता है कि ये जो खुला स्नानागार था इसमें पुरुष स्नान करते हों और जो ये कमरे थे इनमें महिलाएं स्नान करती हों, तो महिलाओं के लिए भी ये सामूहिक कार्य में भाग लेने का अधिकार होता था। तो ये तो थी दोस्तों महान स्नानागार की विशेषता। और साथ साथ में एक चीज और इसमें बहुत कॉमन देखी गई है कि उतरने के लिए सीढ़ियां भी देखी गई हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां और इसके पूर्व दिशा में कक्ष देखने को मिले हैं। तो कुछ इस तरीके का है आपका महान स्नानागार। देखिए, ये सीढ़ियां आपको दिख रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और यहां पर भी सीढ़ियां हैं, ये साउथ डायरेक्शन है, ये इसका बेस है और यहाँ दीवारें हैं, ये सब पकी हुई ईंट से बनाई गई हैं। फिर यहाँ पर
ये जो कक्ष देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे कक्ष हैं, इस तरीके से इस पर कक्ष बनाए गए हैं, और बाहर से एक बहुत बड़ी चार दीवारी भी है दोस्तों ये, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ईंटों से बनाई गई है, पकी हुई ईंटों से। तो दोस्तों ये तो था स्नान महान स्नानागार की विशेषता। अब हमें एक चीज और मिली है और वह है एक बहुत बड़ा सभागार, इसको हम लोगों ने हॉल बोला है। तो इसकी खासियत यह है कि ये 20 स्तंभों के ऊपर खड़ा था, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से आप इसका अध्ययन कर सकते हो, ये इसके स्तंभ हैं। इन स्तंभों के ऊपर ये पूरा का पूरा सभागार खड़ा था, और इसे जो नजदीक में सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासक वर्ग है उसके सबसे उच्च व्यक्ति को पुरोहित बोला गया है, तो उसी के आवास के नजदीक में पाया गया है। तो इसी से इसका उपयोग का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता होगा कि यहाँ पर कोई सार्वजनिक सभा होती होगी या कोई धार्मिक कार्य से संबंधित कोई धार्मिक कार्य, कोई पूजा, विशेष पूजा, या फिर कोई प्रशासकों की बैठक हुआ करती होगी, इस तरीके कार्य इस सभागार में किया जाता था। तो इसका इसकी जो आकृति भी है वह भी काफी विशाल देखी गई है। और तीसरी जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भवन प्रणाली देखने को मिली है वह है अन्नागार, विशाल अन्नागार या फिर 6 अन्नागार। मोहनजोदड़ो में तो हमें एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, लेकिन हड़प्पा में हम लोगों को 6 अन्नागार मिले हैं, एक एक करके 6 अन्नागार मिले। दोनों में समानता ये थी कि ये दुर्ग क्षेत्र में स्थित थे। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नगर नियोजन में सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग क्षेत्र क्या होता था, जो उठावा क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर उच्च लोग रहते थे उसे दुर्ग क्षेत्र कहते थे, और जो निम्न क्षेत्र हुआ करता था यहाँ पर कुलीन या श्रमिक वर्ग रहते थे, यानी यहाँ अमीर लोग दुर्ग में और थोड़ा सा गरीब लोग नीचे। तो ये जो भवन देखने को मिला है अन्नागार, ये दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिला है। तो ये क्या संकेत देता है, ये संकेत ये क्या देता है अभी बताता हूं मैं आपको। इसकी निर्माण प्रक्रिया तो बहुत उत्कृष्ट है, जिसके अंदर वायु निकासी प्रणाली भी है ताकि इसके अंदर आर्द्रता ना देखने को मिले आपको, और इसी के साथ साथ इसका कार्य मूल रूप से फसल संरक्षण करने के लिए किया जाता था, और समांतर में इसके बाहर एक फसल दाबने का चबूतरा भी देखने को मिला है। तो फसल जब इसके अंदर रखी जाती थी, गेहूं रखा जाता था इसके अंतर्गत, चावल रखा जाता था इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत वायु निकासी प्रणाली थी जिससे कि आर्द्रता इसके अंतर्गत ना रहे और ये खाद जो है वो बहुत समय तक संरक्षित रहे। और जिस प्रकार से शायद जो खाद निगम है ये अपने गोदाम बनाता है, इसी प्रकार से वहां का जो प्रशासक वर्ग होगा उन्होंने ये खाद संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण अड्डे बनाए होंगे, यह इस अन्नागार की विशेषता थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंधु घाटी एक नगरीय व्यवस्था थी, ये बात सब जानते हैं, और यहाँ की जल प्रणाली किस टेक्नोलॉजी पर थी, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम जल निकासी सिस्टम कहते हैं ये किस पर आधारित था। हर नगरीय व्यवस्था की दोस्तों जल प्रणाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस जल प्रणाली में देखिए दोस्तों दो तरीके का सिस्टम आता है, एक तो पीने और कपड़े धोने और अन्य गतिविधियों के लिए जलापूर्ति का सिस्टम, और दूसरा जल निकासी का सिस्टम, जो जल आप उपयोग कर लेते हो चाहे वो कपड़े धोने का, स्नान का, या मल प्रवाह का जो जल है इसकी निकासी कैसे होती थी, ये दोनों ही बड़ी उत्कृष्ट तरीके से बनाई जाती थी। तो दोस्तों जल आपूर्ति के लिए जो सबसे सामान्य चीजें हर जगह देखने को मिली है उसमें घरों के पीछे स्रोत जो पाए गए हैं वह कुएं पाए गए हैं। तो घरों में कुएं जरूर पाए गए हैं। और दूसरी चीज जो जल निकासी का प्रणाली था इसमें अलग से जल निकासी के लिए मल प्रवाह तंत्र यानी कि नालियां बनाई जाती थी घरों से, और वहां से इन नालियों में ये मल प्रवाह किया हो जाता था। तो जिस तरीके से आजकल आपने देखा होगा कि घरों से सीवर लाइन लगी रहती है, फिर रोड से वो मुख्य सड़क और वहां से वो चले जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक का तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला कि ये सारा मल कहाँ इकट्ठा होगा, तो शायद नगर के बाहर इसको नदी के अंतर्गत डाल दिया जाता होगा। समांतर में हमें दोस्तों बहुत उत्कृष्ट नाली निर्माण सिस्टम मिली है, जो कि मूलतः ढकी हुई नालियां होती थी,
और दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में कुछ ही शहर होते हैं जहां ढकी नालियां मिलती है, आज भी कई शहरों में खुली नालियों का प्रचलन चल रहा है। तो हमसे ज्यादा विकसित सोच वाले लोग थे। अतः इनकी जो ये नाली निर्माण सिस्टम प्रणाली है, ये बहुत ही वर्तमान एवं उन्नत किस्म की थी। तो मैं नालियों को लेकर के, जो उस समय की जो नालियां हुआ करती थी, इन नालियों को लेकर के मैंने ये कुछ चित्रण किया है। ये वाली जो नालियां हैं ये खुले रूप में है, और ये इधर वाली नालियां जो है ये बंद है। ये बंद नालियां जो है वो मोहनजोदारो में है, क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा नगरीय सभ्यता के उत्कृष्ट पे थे। तो यहां पर तो बंद नालियां थी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हमें खुली नालियां भी देखने को मिली। इन नालियों का निर्माण किससे होता था, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपने वही याद रखना है, पकी हुई ईंटें। हाँ, कुछ जगह पर, बहुत कम जगहों पर नालियों पर पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये देख सकते हो आप, लगभग दो मीटर के आसपास इनकी चौड़ाई है, और यहाँ पर तीन से चार मीटर इनकी गहराई होती थी, और लगभग 2 मीटर के आसपास इनकी चौड़ाई होती थी। बाकी थोड़ा बहुत अंतर हर जगह दिखेगा। और नालियों को ढकने का आप पैटर्न देख सकते हो यहाँ पर, किस तरीके से लंबी लंबी आकार की ईंटों को बना करके एक छत्रक का रूप दिया है। किसका रूप दिया है? एक छत्रक। यहाँ प्लेन ऐसे करके नालियां नहीं भरी होगी थी, बहुत कम ऐसे नालियां नहीं भरी देखने को मिली। तो ये तो थी दोस्तों जल निकासी प्रणाली तंत्र की खूबी। तो दोस्तों ये है आपकी जल निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्नानागार, अन्नागार और सभागार और जल निकासी एवं मल प्रवाह और नालियों की विशेषता बताई है। बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको यूपीएससी और उसके साथ साथ पीसीएस, एसी, सीडीएस, इन सारे पेपर्स में काम आएगा। इसके अलावा तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये वीडियो काम आएगा दोस्तों। और अगर आप मेरी अनकेडमी में लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं, राकेश नेगी विदाउट स्पेस। यहाँ पर मैं जीएस के सारे विषय को पढ़ाता हूँ। तो अगली वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए दोस्तों, और इसको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।